सुनैना अभिषेक, आपका पहला नॉमिनेशन क्या है? अदिति। आपका दूसरा नॉमिनेशन अभिषेक? कैकश और क्रिश। क्रिश और कैकश बहुत ही क्लोज था। आप अनफॉर्चुनेटली शकल और अकल का डेडी कॉम्बिनेशन नहीं हो, आप दोनों को यहाँ से जाना पड़ेगा। सोचेंगे इतना मेहनत करके इसको बाहर किया, फिर से वापस आ गया। What's happening, ma'am, love? Welcome back. So now, whoever is talking to you also is an enemy for your best friend. So here. We're adding to the group. Go. I have more friends now. मुझे खुशी नहीं हुई जब अदिति और गौरव वापस आए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ उनको निकालने की और वो लोग लकीली वापस आ जाते हैं। चाहे किसी को कितने ही पसंद हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन? मेरी पार्टनर। क्या करें, मेरी पार्टनर बन गई। करंट पार्टनर। And I hate all the people who loves her or who likes her. Now. कल रात को वो लोग उसके रूम में थे, अदिति, दिस गाय आमिर, जो मुझे बड़ी दीदी बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, बड़ी दी बोलता है, और वो जाके उसके रूम में मैनिपुलेट करते हैं अदिति के साथ, और निर्मला एंड कुमार गुप्ता, सोम गुप्ता का, और जो भी है वो मुझे नहीं पता, मुझे उसका नाम भी याद नहीं आता उसने। वो सब लोग ने आयशा को रात को इतना बोला है, आयशा भी रात को मेरे रूम में आई थी मुझे बताने के लिए 4 बजे। क्या बोला उसको? तुम अदिति से पैचअप कर लो, निर्मला बोलती है अदिति से पैचअप कर लो प्लीज़, अदिति बिल्कुल आइसोलेटेड हो गई है, ये वो सुनैना है, सुनैना को अकेला कर दो, सुनैना अकेली होगी वो टूट जाएगी, मुस्कान भी नहीं है, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज यू आर विद हर। देखिए मैं इम्यून रहती हूँ, इसलिए मेरे दोस्त हैं, जिस दिन मैं नहीं हूँगी उस दिन दे आर थिंकिंग दैट अदिति हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर। Told you not to win or something. No one can influence me. Agar aisa hota, jitni baat unhone boli thi. They thought I told them ki aisa nahi. Sort out the things. Haan, main unse baat karunga. क्या मेरे ऊपर क्या आ रहा है कि मैं डबल गेम खेल रहा हूँ, मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ उससे, अदिति से नॉल दैट कर रहा हूँ। एंड ये गेम तुम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, इतना पर्सनल हो चुका है कि एक बंदा दूसरे से बात करता है तो किसी और तीसरे को प्रॉब्लम होती है कि तुम उससे बात मत करो, वो बोलती है उससे बात मत करो। जाके सुनैना से बात कर। आपको ऐसा लग रहा है मैं आपकी बुराई करता हूँ जाके? मैंने आपको ऐसा लगता है मैं उसको नहीं बोला है बात क्यों बुराई करता है, मैंने को पता नहीं करता, जस्ट मुझे सिर्फ इतना हो रहा है कि भाई आगे, बिकॉज मुझे, मैंने ये बात बोली ना, आई एम स्केयर्ड बिकॉज आई विल गेट इमोशनली हर्ट, नॉट बाय द गेम। जितने लोगों ने मुझसे कहा कि अदिति से बात नहीं करें, अदिति को अकेला रहने दें, मुझे वो फेयर नहीं लगा। आई थॉट अदिति एक अच्छी लड़की है, मुझसे अच्छे से बिहेव करती है, तो उसको अकेला छोड़ देना मुझे ठीक नहीं लगा। प्रोफेसर एंडी ने हम सभी को लाइब्रेरी में बुलाया और एक नया स्टडी मटेरियल दिया। Bonjour geeks, bonjour beauties, bonjour professor Andy, welcome to my Bella Beach Goa. तो एक्चुअली अभिषेक ने फिर से किसी को घर भेज दिया, इसे कैसे हो रहा है सुनैना? अभिषेक से आप बातें नहीं करते? इस बारे बात नहीं करी थी अभिषेक के साथ, करनी चाहिए थी। तो अदिति आप खुश हैं? आप फिर से बच गई? कैकेशा बेचारी को आपने घर भेज दिया? Yeah, I'm happy that I'm here. गौरव आप खुश हैं कि अदिति अब तक है यहाँ पे? नहीं, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अभी तक यहाँ हूँ। निर्मला क्या आप खुश हैं कि गौरव अभी तक यहाँ पे है? So let's have a look what's under here. So
So beauties, आपका project है on calorie counting and nutrition. I always follow diet, but I didn't have any clue about the nutrition or calories के बारे में मुझे नहीं पता. मुझे चाय बनाना आता है और मुझे बनानी आती है. ऐसी रहती हूँ मैं, but at least उससे ज़्यादा put on नहीं करती. तो मैं सोच के थोड़ा घबरा गई कि यार calories पढ़नी पड़ेंगी. कभी नहीं पढ़ी, कभी ध्यान भी नहीं दिया. और geeks का project है about fitness and keeping fit. कोई प्रोफेशनल एक्सरसाइज जिम में जाके नहीं किया. अभिषेक, मनी, आमिर, हाउ फिट आर यू? मॉम डैड लास्ट 3 ईयर से भेजने की कोशिश कर रहे हैं मुझे जिम में, मगर मैं कभी गया नहीं. एंड ब्यूटीज, हमें ये देखना है कि हाउ कैलोरी कॉन्शियस आर यू रियली? डू यू रियली नो हाउ टू काउंट द कैलोरीज? ओके, गुड डे. एक्चुअली मैंने कभी एक्सरसाइज पे ध्यान ही नहीं दिया. सोचा था कि पेट कम करने के लिए थोड़ा जिम जाऊं, मगर इतना लेजी हूँ कि जाने का मन नहीं किया. ये देख के लगता है कि मैं कभी जिम के आसपास भी भटकाऊंगा. इसको सीखने का वो जो है जज्बा बहुत स्ट्रांग है, तो शायद जब मैं सिखाऊंगी तो विल पिक अप फास्ट, है ना? मैं कोशिश करूंगी कि हम स्ट्रॉन्ग कपल बन के, टीम बन के ही जीत सकें. सो आई थिंक कॉम्पिटिशन हम देंगे. क्या करवा रहे हैं? एक्सरसाइज किए पर मैं जिम नहीं गया. राघव, मुझे समझ नहीं आ रहा पढ़ना क्या है. ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़. जितना समझ में आ जाएगा उतना पढ़ लेंगे. ऐसी कैलोरीज बर्न हो जाएगी. ये सिखाइए बजाना. शुगर में 20 कैलोरीज पर टीस्पून एज पर क्यूब. NutriNEST. बैड बनी. हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कहेंगे. वेलकम टू योर न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट. यहाँ पे आपको सिंपली एक इंडियन स्क्वायर मील बनाना है. दाल, चावल, रोटी. नाउ सब्जी की जगह पनीर होगा या चिकन. रोटी बनानी आती है मुझे, मेरी मॉम ने डांट डांट के सिखाया. मैंने कभी अपनी लाइफ में रोटी नहीं बनाई है. आपकी थाली जब परोसी जाएगी उस वक्त पर जो आपका कैलोरी कंटेंट होगा वो होगा सिर्फ 400 कैलोरीज. प्रोफेसर एंडी ने बोला कि प्रॉपर मील बनाना है 400 कैलोरीज के साथ. आई एम लाइक, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा. ब्यूटीज, आपको ये भी याद रखना होगा कि खाना अच्छा भी होना चाहिए, उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए. दैट इज आल्सो अ मेजर क्राइटेरिया. नाउ प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अ न्यूट्रिशनिस्ट, मिस नीना. कम 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 मिस नीना. Hi everybody, I'm Nina Figueredo and I'm a consultant dietitian by profession. Okay, I'm here today to monitor all that y'all would be cooking. आपको एक notepad दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको लिखना है कि quantity कितना है या फिर और क्या है. ठीक है, तो अगर दाल है तो दाल में आपने कितना quantity डाला. यहाँ पे एक scale है, उसके ऊपर आप measure करके लेके जा सकते हैं यहाँ से ingredients. और एक बात और, आपको उसका procedure भी कि आपने कैसे पकाया और कितना सब कुछ डाला. Very simple, step to step. हम दोनों आपका प्रोसीजर बहुत कड़ी नज़र से देखेंगे, क्योंकि खाने बनाने के बाद, परोसने के बाद हर एक गीक आके आपका खाना टेस्ट करेगा और आपको मार्क्स देगा आउट ऑफ 10. आपके पास सिर्फ एक घंटा है, एक घंटा 60 मिनट. एक घंटे में सारी चीज़ें भी लिखनी थी कि कितने कितने यूज़ की है और उसका मेथड भी लिखना था, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. सो ब्यूटीज, टेक your stand.
Hello and welcome to Nirmala's special cookery classes. वैसे I'm not a very good cook. I'm really scared about the chapati. Maybe I'll cut it with the knife. मुझे कुकर का कोई भरोसा नहीं है बिकॉज माई मॉम ऑलवेज यूज्ड टू से बेटा कुकर से दूर रहो मुंह पे ब्लास्ट होगा ये होगा वो होगा आई एम जस्ट टू कन्फ्यूज कि किस में कितनी कैलोरीज होती है आई जस्ट नो रफली कि शायद बेकिंग पाउडर में ज़्यादा होती है तो आई वॉन्ट यूज दैट ब्यूटीज यू मे बिगिन योर टाइम हैज स्टार्टेड एंड रिमेंबर कि यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स हैं और भी किस्म की दाल है यहाँ पे मैंने जाते साथ सबसे पहले दाल उठाई क्योंकि मुझे था कि दाल को मैं फटाफट कुकर चढ़ा दूं जिससे कि दाल जब तक बनेगी तब तक मैं और चीज़ें तैयार कर लूँगी आई वॉज वेरी केयरफुल दैट इज हाइजेनिक एंड आई केप्ट न्यूट्रिशियस वैल्यू इन माइंड कैप्सिकम मुझे पता था 15 कैलोरीज है चिली मुझे पता था 21 कैलोरीज है और घी मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं ये वो तो मैं अपने हिसाब से हिसाब लगाकर वहाँ से थोड़ी थोड़ी चीज़ें उठा रही थी काफ़ी कंफ्यूज हो गई कि यार इवन इफ यू नो कि किस चीज़ में किस आइटम में कितने कैलोरीज है हाउ वुड यू एट दैट टाइम गेट सो मच टाइम टू कैलकुलेट एंड पुट इट टुगेदर 10 grams? 10 grams, yeah. Maybe I'll have to cook a little more. 20. 20, okay. Beauties, aapke 10 minute ho chuke hain, to aapke paas sirf 50 minutes baaki hain. Mujhe paneer banana aata nahi hai, isliye maine chicken choose kiya. अभी आपके पास 45 मिनट बाकी हैं। मैंने पहले कैरेट डाल दी मैंने ऑयल के साथ और से कैरेट डाल देती हूँ और अनियंस डाल देती हूँ अच्छे से पक जाएंगे फिर उसके बाद आप कुछ चिकन डाइसेस ये कम नहीं होता क्या इस पे वो सिलेंडर जो था ना वो जलाना नहीं आया जब मैं कम करती थी ना तो वो बंद ही हो जाता था तो मैंने कहा अच्छा इसको हाई पे ही रखो अरे तो उसमें धुआं निकलने लग गया सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया मेरी पूरी कढ़ाई अंदर से ब्राउन हो गई एवरीवन स्टार्टेड कॉफिंग मुझे लगा पता नहीं क्यों ऐसे कॉफ कर रहे देयर सम बर्निंग स्मेल तो मेरी कैरेट जल गई It was completely black, like not even brown, completely black. So basically, मेरे डर लग रहा है. निर्मला मेरे पास थी या नहीं मेरे पीछे थी दोनों के कुकर उड़ रहे थे. वैसे आपके वैसे क्या हैं? मैंने चावल बनाए बॉयल्ड चावल क्योंकि बॉयल्ड चावल का जो स्टार्च है वो भी निकाला मैंने क्योंकि उससे भी और कैलोरीज कम हो जाती है ये है मिर्ची और ये भी एक मिर्ची बहुत सारी चीजें हमें मेजर करके लेनी थी तो वो भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा था वहाँ पे हाँ ब्यूटीज जो कुछ भी लेके जाओगी प्लीज उसको मेजर करना हमको बाद में कुछ बन गया फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैंने वो ड्राई फ्लावर लगा कर उसको कुछ किया जस्ट होल्ड इट सॉफ्ट एंड पुट मीडियम प्रेशर एंड जस्ट प्ले विद इट एंड आई वाज डूइंग दैट एंड वो अपने आप धीरे धीरे गुल 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 होती जाती है मैंने खाना बनाने के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ किया बिकॉज ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और उसके लिए अच्छा होता है वो चिकन आई कुडंट मेक सच अ बिग पीस तो उसको मैंने काटा बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो जाती है मेरी प्लेट में सभी सही बना रही थी मैं तो यार देख देख के इंस्पिरेशन ऐसे देख रही थी भाई उसको कैसे कर एक सेकंड तो फिर दाल भी उसमें डाल दोगी हम एक लूंगी उसको पहले से बैठ के हाँ मतलब फिर राइस दाल निकालूंगी अच्छा ठीक है ब्यूटी 10 मिनट बाकी हैं गार्निशिंग प्रेजेंटेशन ऑल काउंट खाने के वक्त पर
और प्लीज याद रखिए कि जो भी आपने डाला था वो आपने लिस्ट में लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो आपको पेनल्टीज मिलेंगी। तो आपका राइस हो गया? हाँ, दाल नहीं। कहाँ है दाल? अभी करूँगी दाल। अच्छा, दाल करने वाली है? हाँ। 5 मिनट में? हाँ। दाल हो जाएगी? मेरी दाल पकने के लिए बस मेरे पास 5 मिनट रख गए थे। मेरी दाल एग्जैक्टली ऐसे लग रही थी कि ऊपर पूरा पानी नीचे पूरा दाल डूब चुका है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop cooking! बहुत टेंशन थी क्योंकि ऐशा का खाना भी बहुत अच्छा बना, क्योंकि ऐशा अच्छा खाना बनाती है, उन्होंने मुझे बताया भी था, और वो मेरे से खाना उन्होंने पहले जल्दी बना के खत्म भी कर दिया था। फिर प्रोफेसर एंडी ने हमें भी बुलाया, वहाँ जाके हमने देखा कि एक टेबल पे 6 डिशेस रखी हुई थी और प्रोफेसर एंडी खड़े हुए थे। गुड आफ्टरनून गीक। गुड आफ्टरनून प्रोफेसर एंडी। ओके, सो आपकी ब्यूटीज ने बहुत चमत्कार किया है, यहाँ पे खाना बनाया है। एक एक गीक यहाँ पे आएगा सामने और एक एक निवाला सब चीज में से खाएगा ताकि उसको पता चले कि कौन सा अच्छा बना है, कौन सा खराब बना है और कौन सा सबसे बेस्ट है। कुमार गौरव, तो पहला डिश, डिश वन। मुंह बिगड़ गया। ये क्या कर रहे हो? ठीक है। फिर समझ में आ गया था कि ब्यूटीज नहीं बनाया है और कोई नहीं बना सकता ऐसा खाना। ओके बॉयज, थैंक यू वेरी मच। जब हम लोग वापस आए, जो टेबल्स लगी हुई थी उसके बाद देखा सबकी अपनी अपनी प्लेट सजाई हुई थी और चेयर्स भी रखी हुई थी। मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने आपके कैलोरी काउंट किए हैं और आपका खाने का न्यूट्रिशनल वैल्यू भी देखा है और आपके गीक्स ने सब खाना टेस्ट भी किया है। लेट्स कॉल योर गीक। गीक, कम इन। Nina, thank you so much for being with us. You've been a great nutritionist and aapke bina hum ye kar nahi sakte the. So can I have a round of applause for Nina, please? The scores are in. The highest calorie count was 940 calories. Annie, aapke portions bahut bade hain. क्योंकि जो आपका सॉस है, आपका चिकन भी है, वो काफी ज्यादा है, आपके चपातियाँ भी बहुत ज्यादा थी। मुझे लगा कि ये खाना सब लोग चखेंगे, इसलिए मैंने इतना सारा खाना दिया था जिससे हर कोई टेस्ट कर सके। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि रोटी इतनी ज्यादा बनाने की क्या जरूरत थी, चावल इतने ज्यादा रखने की क्या जरूरत थी और चिकन बनाने की क्या जरूरत थी। अदिति, आपका कैलोरी काउंट इज अबव 700। आपका जो चिकन था और उसमें पीनट्स भी हैं और कोकोनट पाउडर आपने इस्तेमाल किया था, दैट इज वेरी हाई इन कैलोरीज। It's so depressing, you don't know. The number one spot for calorie count is... Not Sunaina. Sunaina, aapka calorie count tha 565 and you get third place with that. Nirmala, aapka calorie count tha 544. The top beauty with the lowest calorie count was Kazeen. You took it with 505. Well done. So happy. I was like really happy. Aur mujhe to aise hi lag raha tha ki main jeet gayi. Only 3 of our beauties qualify for the tasting round. Aur wo obviously hai hamare top 3 calorie count wali. Kazeen, aap third place pe hain. Nirmala, it's not you. It's Sunaina. Well done, Sunaina. मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था पर हो गया। कभी मुझे इतना बुरा नहीं लगा कि ओ आई डिडंट विन।
But this, I genuinely felt bad. तैयार हो गए थे फिर से खुद को तैयार कर लिया था भाई नॉमिनेशन में तो जाना ही सुनहरा जीती है आपको मिलता है स्पेशल पावर और इम्यूनिटी भी तो अब बस एक और चीज बाकी है अभी आपको एक चीज देखनी है अच्छी तरह से और वो है आपका गीक आपका खाना खाते हुए खाइए गीक एंजॉय द फूड वो बहुत तीखा है खाना पड़ेगा खाओ अंदर ही नहीं जा रहे तो कहते ओके गीक्स आपका प्रोजेक्ट बहुत आसान है ये जो आपने कैलोरीज कंज्यूम किए उतने ही कैलोरीज आपके जिम में जाकर बर्न करने हैं नहीं 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 तब सीरियसली यही आया वो शिट इतना सारा क्यों बनाया था एक इंसान इतना खाना खाता है 940 कैलोरी कौन खाता है एक टाइम सो बी प्रिपेयर्ड एंड गेट रेडी सी यू इन द जिम बॉयज लेट्स गेट टू वर्क आउट खाना खाने के बाद हम लोग जब जिम गए तो हम लोगों ने उधर प्रोफेसर एंडी को देखा एक जिम ट्रेनर के साथ खड़े हुए थे गुड इवनिंग बॉयज गुड इवनिंग प्रोफेसर एंडी बॉयज ये है आपका ट्रेनर दिस इज दानिश खादी हेलो इसको देख के बड़ा कॉम्प्लेक्स फील हुआ कि इतना अच्छी अच्छी बॉडी वाला बंदा इतना हैंडसम बंदा खड़ा हुआ है इसके सामने और इसके सामने तो हम कुछ भी नहीं लगते गीक्स आपको अपनी कैलोरीज सबसे फास्टेस्ट बर्न करने होंगे द फर्स्ट बर्न ऑल हिज कैलोरीज ऑफ विल बी ऑफ कोर्स आवर विनर बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पता नहीं मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगा लेकिन ये था कि कोशिश करनी थी कि कंप्लीट इस टास्क को मुझे जीतना है नाउ कैजीन तो मतलब आमिर सिर्फ 505 दैट्स नॉट बैड निर्मला ने मनीष के लिए 544 प्रिपेयर करे थे सुनैना ने अभिषेक के लिए 565 ऐशा कुमार गौरव के लिए 700 कैलोरीज प्रिपेयर करे थे पता नहीं उसने इतनी सारी रोटियां क्यों रखी वहां पे और अदिति ने गौरव के लिए 775.5 और एनी ने फैजल के लिए प्रिपेयर किए थे 940 कैलोरीज बड़ा ही दिमाग खराब हो रहा था उस वक्त के 940 कैलोरीज और कहाँ 505 कैलोरीज आमिर के मेरे सीधे सीधे डबल थे तो जाहिर सी बात है मुझे ज़्यादा मेहनत करनी थी सबसे कम कैलोरीज है मेरी फिर भी मैं 2-3 मिनट भाग के ही थक जाऊंगा एंड ये प्रोजेक्ट भी गया मेरे हाथ से देयर इज वन लिटिल थिंग दैट्स विद मी हियर और इसके जरिए हमें पता चलेगा आपने कितने कैलोरीज बर्न करे हैं और हमें ये भी पता चलेगा कि कितने टाइम में सो आर यू रेडी एक मशीन थी इस पे क्रॉस ट्रेनर फिर मैंने क्रॉस ट्रेनर देखी मैं क्रॉस ट्रेनर मशीन पे चढ़ गया मैंने पहले ही सोचा कि मैं ट्रेडमिल पे जाऊंगा क्योंकि सुनैना ने कहा था कि ट्रेडमिल से सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न होता है सबसे पहले मैं साइकिलिंग के पास गया तो मुझे लगा उससे ज़्यादा मेरी तेज़ मेरी हार्ट बीट चलेगी और ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी तो आपने भी 74 कैलोरीज अभी तक बर्न की है आपको कितना है टोटल 940 कम ऑन लेट्स गो कम ऑन पंप इट लेट्स गो जितनी आपकी हार्ट बीट तेज होगी उतना जल्दी आपकी कैलोरी बर्न होगी 183 चल रही है इतनी फास्ट धड़क रही है किसके लिए धड़क रही है निर्मला के लिए ओ सॉरी
क्या है अदिति के लिए या निर्मला के लिए? सर जिंदा रहूंगा कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। कोई ना कोई मुझे नहीं लगती अभिषेक ने कभी जिंदगी में एक्सरसाइज की है। और जब वो भाग रहा था तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, उसकी पूरी बॉडी हिल रही थी और टमी हिल रही थी आगे से। जिम में मुझे जो पसीना आया था वो अगर मैं कलेक्ट करता तो शायद पानी का बॉटल भर जाए 1 लीटर का। सुने ना, हमेशा आपके लिए जीतती हूँ, कब आप भी जीतते हो, कम ऑन, आप भी जीतना चाहिए ना। जब मैं 19 साल का था ना, क्या बताऊं? जोश आ गया, गिरियो मत। कुछ नहीं, लेफ्ट से राइट साइड पेन हो रहा है। एक टाइम आया कि मुझे रुकना पड़ा और मैं काफी देर तक जमीन पे बैठ गया। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी, पर एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैं बेहोश होने वाला था। बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि जब मैं भागता था मेरे पैर में दर्द होता था तो मैं हाथ की एक्सरसाइज करने लग जाता था, और जब हाथ में दर्द होता था तो मैं एक पैर की एक्सरसाइज करने लग जाता था। आमिर मोटा है, अभिषेक मतलब मोटा क्या है, मतलब वेट ज्यादा है उसका, तो उसकी जल्दी कैलरी बर्न होनी थी। अभिषेक जीत रहा है एवरीवन, उसकी सिर्फ 230 बाकी है। और दूसरे उनको कम कैलरी बर्न कर दी थी, 505 565, मेरे को लग रहा था भाई इनका जल्दी हो जाएगा। 321, तो फिर आपको अभी कितने करने हो? 505 तो इनके कम है, तो एक्चुअली आमिर जीत रहा। अभिषेक रुको मत, ओह माय गॉड, अभिषेक के पास सिर्फ 60 कैलोरीज बाकी है। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ रही है ये अपनी पार्टनर की वजह से। जब आमिर और अभिषेक बहुत क्लोज थे तो मैं उस वक्त एनी को ब्लेम कर रहा था, मन ही मन क्या जरूरत थी इतनी हाई कैलोरी डिश बनाने की। एक रेस टाइप की हो गई थी एंड उसमें बड़ा मजा आ रहा था उस रेस। उस वक्त अभिषेक ट्रेडमिल पे था और मैं साइकिल पे था। We have a winner. 509. ओके सो आमिर आप जीत गए, वेल डन, कंग्रेचुलेशन, कम ऑन गिव राउंड ऑफ अप्लॉज, कम ऑन। नाउ इसका मतलब है कि फैजीन और आमिर आपको मिलेगा एक पावर और आप इम्यून भी हो। हाउ यू फील अबाउट बीइंग इम्यून? इम्यून वेरी गुड, पावर नन। वेल आपको ये भी नहीं पता कि पावर है क्या, क्योंकि आई सेड ए पावर, लेट्स सी। And remember, geek, आपको exercise हर दिन करनी चाहिए, so that you can be beautiful, just like the beauties. Okay, boys, thank you very much. I'm going to start the fitness. इससे पहले कभी इतनी exercise नहीं की कि heart beat 200 से approach चली जाए। आज के पहले देखा था treadmill और cycling का ये, मगर कभी इन पे चलने का try नहीं किया और अपना वजन घटाने का भी try नहीं किया। एक तो गंदा खाना खा के आया, ऊपर से जिम किया उसने भी लॉस हो गया, अब तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। मेरे को लग रहा है एलिमिनेशन में भी जाना ही पड़ेगा। शोर है, ऑसम होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। जीतने के बाद बहुत अच्छा लगता, लेकिन उसके बाद जब नॉमिनेशन का ख्याल दिमाग में आया तब फिर मुझे टेंशन होने लगी।
कुछ मत डिसाइड करो, प्लीज डोंट टेक एनी नेम. यू सी हु इज मोर इम्पोर्टेंट, फॉरगेट एवरीथिंग. कैसे ना आमिर, आप अब लिख नहीं रहे, क्यों? आई डोंट वांट टू नॉमिनेट एनीवन. अगर इन केस मैं कोई नाम नहीं लेता तो आप क्या कोई नाम लोगे? नहीं ना, अगर आपसे पूछा जाए तो. मुझे नहीं पता है, मैंने डिसाइड नहीं किया अब तक कुछ भी. मैंने तुम पे छोड़ा हुआ था. कुछ मत डिसाइड करो, प्लीज डोंट टेक एनी नेम्स. किसी को भी नॉमिनेट करूंगा तो वो हर्ट हो जाएगा, 100% हर्ट होगा. मैंने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए यहाँ पर, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता. आर यू गोइंग टू टेक कुमार गौरव इन ईशा नेम? What is with you, Asha and Kumar Garu are such a good friends of mine. Asha, अभी तो फिलहाल उसने पढ़ाई भी नहीं की है. But when it comes to a revenge, और जब भी वो hard work डालेगी, तब वो आके खड़ी हो जाएगी मुझे लग रहा है. So किसका नाम? यही तो मैं बोलूँ, we don't have options. I don't have options. यहाँ पर वही माना जाता है कि तुमने murder कर दिया हमारा. क्या बात कर रहे हो? मुझे मैं नहीं कर रहा. फिर भी यार करना तो पड़ेगा ही. समझ ही नहीं. बात उसकी नहीं है, मैं चाहता हूँ बस निर्मला मेरे साथ में जाए. निर्मला को नहीं करूँ. निर्मला को छोड़ किसी को कर दे भाई. नहीं, मैं तो ऐशा को करने वाली हूँ. लोगों को मुझ पर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, पर मुझे भी चाहिए नहीं कि हम किसी के बैड बुक्स में पढ़े. यू श्योर यू टेकिंग ऐशा नहीं? बिकॉज अभी मैं किस किस की रिक्वेस्ट सुनूं? सुनैना इज एक्सपेक्टिंग मी टू टेक निर्मलाज नेम, बट आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू टेक हर नेम. यू सी हु इज मोर इम्पोर्टेंट, फॉरगेट एवरीथिंग. Good evening, beauties and geeks. World peace. मेरे सामने हैं दो पार्टनरशिप्स, एक जो हमेशा टॉप में आती है और आता है, और एक नया पैर. मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. फर्स्ट टाइम नॉमिनेशंस में जाने के वक्त मुझे ऐसा नहीं होगा कि आज कोई मेरा नाम लेगा. ये नॉमिनेशन वाला सीन सच्ची मेरी समझ में नहीं आता. किसी को नहीं हर्ट करना चाहता. अभिषेक और सुनैना आप आइए, और ऑफ कोर्स आवर न्यू पेयर. मुझे पता चला है कि यू नो एवरी टाइम मैं आपको पूछता हूँ यू नो आपके नॉमिनेशन के लिए, और फिर आप थोड़ा यू नो हिचकिचाते हैं, प्रॉब्लम होती है. तो आप ऐसे कीजिए, एक एक पार्टनरशिप ये लो. मैं चाहता हूँ कि जो भी आपके नॉमिनेशन हो आप इस क्यू कार्ड पे लिखें और मुझे मत दिखाएं. कैसी ना आमिर, आप अब लिख नहीं रहे, क्यों? I don't want to nominate anyone. Then don't. Your partner's also there. She can also nominate. He didn't even want me to do it, you know. उसको किसी का नाम लेना ही नहीं था. मुझे उसको बोलना पड़ा कि सी मैंने भी काफी मेहनत की है जिसके वजह से तुम जीत पाए हो आज. करना है ना तो करना है. No, please don't. Okay, ready? You done? Great. Actually, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आज नॉमिनेशंस तो होएंगे, किसी को तो होते रहते हैं, ठीक है. पर नॉमिनेशंस क्यों होएंगे वो शायद बदल गया है. हम पहले देखें कि आप किसको नॉमिनेट करने वाले थे. आई थिंक वी शुड हैव अ लुक. सच में ये था आपका चॉइस? ये तो सबको शायद पता ही था. But actually, what would be very interesting to see is कि आपने किसको. Really? सच में? Excuse me.
निर्मला और मनीष, मैं तो यहाँ पे एक चेस का गेम है एंड आई एम प्लेइंग दैट चेस. कौन सा बिशप कहाँ रखना है, कौन सा यू नो मुझे घोड़ा कहाँ रखना है, मेरे प्यादे कहाँ चलने हैं. क्यों पर कैजीन, आपने ऐसा क्यों किया? इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि सुनैना अदिति को ही नॉमिनेट करेगी, तो मैंने इसकी वजह से निर्मला का नाम. दे डोंट रियलाइज दैट स्ट्रॉन्ग कंटेंडर तो आपको स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन दिए बिना जाएगा नहीं. इस बार नॉमिनेशंस में कोई घर नहीं जाएगा. कितनी मेहनत से इम्यूनिटी लेती हूँ, कितनी मेहनत से सबको समझाती हूँ आज ये करना, और रोज सोचती हूँ आज दोनों में से एक जाएगा. और जब एक ट्विस्ट लाया जाता है उसके बीच में, उसके बाद भी जब मुझे हंसना पड़ता है दिखाने के लिए कि दैट्स आई एम ओके विद इट, बट एक्चुअली आई एम नॉट ओके. आज जो भी घर गए हैं, आज अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आप दोनों पार्टनरशिप्स को कि उनमें से आप जैसे अगर एक लड़के को नॉमिनेट कर सकते हैं वापस लेके आने के लिए, आप एक ब्यूटी को नॉमिनेट कर सकते हैं वापस लेके आने के लिए, आप गीक को, आप ब्यूटी को. तो मैं आपको पूछूंगा कि आप अगर कोई गीक को वापस लेके आ सकते हैं वो कौन होगा? हर्षित. हर्षित वॉज लाइक माई ब्रदर, यंगर ब्रदर, और बहुत स्वीट है. मैंने उनको ही जरूरी समझा इस शो में और वो डिजर्विंग भी है. ओके, तो आपने हर्षित कहा है और क्या कहा था? अच्छा रियली, आप कैसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टनर ने कॉलर था, पता नहीं क्या कहा था. नाउ गीक, वी वुड वांट क्रिश. क्रिश इस वजह से क्योंकि उसके पास जितनी भी नॉलेज है वो हम सब से शेयर करने पे तुला हुआ होता है. ओके क्रिश फाइन, और आपकी ब्यूटी? वसुधा. वसुधा, ओके परफेक्ट. वसुधा बहुत स्वीट और बहुत अच्छी लड़की है, उससे थोड़े दिन में ही बहुत अच्छी से बात हुई थी. तो बेसिकली यहाँ पे कोई एलिमिनेशन टेस्ट पे नहीं जाएगा. इनफैक्ट एलिमिनेशन टेस्ट पे आएंगे वसुधा, क्रिश, कैकिशा और हर्षित. Are you feeling happy about that? Yes, I'm very happy. देखा, मैंने बोला था ना, that I'm so happy. So, beauties and geeks, good night for now. मैं चंगा ही, चंगा सब तो बढ़िया दिन रहा मेरा. और मैं सही में नहीं जाना चाहता था, मैं दिल से कहूँ तो 70% डर था कि नॉमिनेशन में नाम आएगा, पर ये एलिमिनेशन में सरप्राइज हुआ. थैंक यू गॉड कि इस बार तो बच गए. कैकिशा मेरी दोस्त बन गई थी लास्ट टाइम पे, एंड शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, और मेरी गलती की वजह से वो बाहर गई थी क्योंकि मैंने अभिषेक से डिस्कस नहीं किया था. आपका दूसरा नॉमिनेशन अभिषेक, कैकिशा. जो दो लोगों को मैंने नॉमिनेट किया था और एलिमिनेशन में वो बाहर चले गए थे, क्रिश और कैकिशा, आप दोनों को यहाँ से जाना पड़ेगा. मे बी हो सकता है वो लोग मुझसे रिवेंज ले, क्योंकि मेरे वजह से लोग एक बार एलिमिनेट हो गए थे. वसुधा एंड हर्षित, क्रिश और कैकिशा, एंड अगेन यू हैव टू लीव अस. खुद जीतना चाहता हूँ, मैं प्रोजेक्ट जीत के जिसने मुझे निकाला है मैं उसको निकालने के लिए पूरी कोशिश करूँगा. आई वॉन्ट टू विन एंड डू द सेम थिंग व्हाट दे डिड टू मी. जब मैं वापस आ रहा था तब मैं एक ही सोच कर आ था, अब फाड़ दूंगा कुछ भी हो, मुझे अंडर एंट्री लेना है. मैं वापस आई हूँ तो मुझे डेफिनेटली सुनैना को एक करारा जवाब देने का मौका मिलेगा. इनफैक्ट उसको नहीं, सबको भी. आई थिंक आई कैन विन दिस गेम. वेलकम बैक ब्यूटीज, वेलकम बैक गीक. So lovely to see you. ये है आपका elimination test, और ये है घर जाने के लिए नहीं बल्कि हमारे घर में प्रवेश करने के लिए. कौन जाएगा वापस यहाँ से घर, और कौन जाएगा to meet all your friends in the beauty and the geek house? I was just thinking कि क्या होगा, कैसे आऊंगी. ये अपने couples choose करें, आपका partners ये आपने choose करें खुद. हर्षित आपने किसको चूज किया था? अच्छा, और आपने? कैकिशा और हर्षित ने पहले से ट्यूनिंग बना रखी थी कि वो दोनों साथ में जाएंगे. नाउ क्रिश, जैसे कि आप कैकिशा को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है, क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप कैकिशा के साथ हो तो आपको बेटर चांस मिलेगा? ये लगता है. मैं हालांकि चाहता था कि कैकिशा के साथ रहूं क्योंकि हमारी ट्यूनिंग अच्छी है. मुझे भी लगता है. हर्षित, वसुधा को मैं जानता था, उससे कभी बात ही नहीं करी मैंने ज्यादा,
तो मैं केस उस पर ट्रस्ट कर लूँ कि वो मुझे हेल्प करेगी या नहीं करेगी। तो बॉयज आपके क्वेश्चंस पहले आएंगे, तो इसका मतलब है आप पहले यहाँ पे रहेंगे और हमारी ब्यूटीज जाएंगी बजर रूम में। पहले क्वेश्चंस होंगे इजी, उसके लिए आपको मिलेगा 1 मार्क। सेकंड क्वेश्चंस होंगे मीडियम, जिसके लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क। और लास्ट क्वेश्चंस होंगे हार्ड, और उसके लिए मिलेंगे 3 मार्क। ब्यूटीज टेक टू द बजर रूम प्लीज। ओके बॉयज रेडी। फिल्म ओम शांति ओम में एक्टर शाहरुख खान अपनी बॉडी का एक खास फीचर के लिए फेमस हुआ था, वो क्या था? पैक्स, सिक्स पैक्स। सिक्स पैक एब्स, वेल डन, कांग्रेचुलेशन। काफी कॉन्फिडेंस आ गया था और ऐसा लग रहा था कि हाँ, अगर आगे भी क्वेश्चन के आंसर देता जाऊंगा तो शायद से जीत जाऊंगा। ये था आपका इजी सेक्शन, अभी वो हो गया है खत्म। अभी हम जाएंगे फॉर मीडियम क्वेश्चंस। तैयार हो जाइए। सावधान। Which type of exercising loses the most calories? Oh, that's a close one. Pehle the Harshad. Running. What type? Running is just, it's an exercise, but I need the type of exercise running is. Cardio. Correct. Okay, ready? Heart और ब्रेन में से मसल कौन सा है? हार्ट। आपको 3 पॉइंट्स या मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वो गलत है। और इसके साथ आपका ये एलिमिनेशन टेस्ट भी खत्म होता है। लेट्स गेट द ब्यूटीज बैक प्लीज। ओके, अभी है बारी हमारी ब्यूटीज की टू फेस द क्वेश्चन। अभी आप जाइए बजर रूम में और बी रेडी टू प्रेस द बजर। क्या कि शॉप पे काफी कॉन्फिडेंस था उस वक्त मेरे को, क्योंकि मेरी तो नैया वही पार लगा सकती थी उस वक्त। ओके रेडी। टमाटर क्या है, फ्रूट या वेजिटेबल? वसुधा। फ्रूट। करेक्ट, वेल डन। रेडी नेक्स्ट। अगर आप 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल और 1 टीस्पून एडिबल ऑयल को कंपेयर करो तो किस में ज्यादा कैलोरीज हैं? ओह नो वसुधा, ओह नो। ऑलिव ऑयल। आंसर ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल और एडिबल ऑयल में सेम कैलोरीज होती हैं। ओके सो मूविंग ऑन, अभी आपके हार्ड क्वेश्चंस हैं। अंडे में प्रोटीन कहाँ होता है, व्हाइट में या येलो में? वसुधा। थोड़ा कंफ्यूजन है, वेजिटेरियन हूँ। यू डोंट नो? नेवर माइंड। मैंने कैसे हैं यार, इतना इजी आंसर नहीं मालूम इन लोगों को। व्हाइट। व्हाइट और येलो? व्हाइट, दैट्स करेक्ट। हमारे सारे क्वेश्चंस फॉर दिस एलिमिनेशन टेस्ट आर ओवर। गीक्स कम बैक। ब्यूटीज की आपका एलिमिनेशन टेस्ट खत्म हो गया है। अभी सिर्फ ये देखना है कि किसके पॉइंट ज्यादा निकले और किसके कम। बस सुनना चाहता था नाम, क्रिश एंड कैकेशा। एक पैर के पास है -5 और एक पैर के पास है -3, तो सिर्फ 2 पॉइंट आपके दोनों के बीच में है। क्रिश और कैकेशा -5 और कैकेशा के पास नहीं है, -3 है। वेल डन, कंग्रेचुलेशंस। आई एम सॉरी वसुधा एंड हर्षद, आपके पास -5 है। एंड अगेन यू हैव टू लीव अस, प्लीज लीव। विक्ट्री वाली फीलिंग होती है, वैसी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जंग फतेह कर लियो। मैं दिखा नहीं रही थी, बट आई वाज लाइक ओह माय गॉड, ओके आई एम गोइंग इन, आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू बी देयर, मुझे करना है, आई वांट टू डू इट अगेन। कांग्रेचुलेशंस, वेलकम बैक, बाय बाय। अभिषेक को तो बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना जो शायद से उसकी जो उसके शरीर में जो सबसे बड़ी मसल है उसको बचा के रखें, क्योंकि इसमें बहुत लात पड़ने वाली है। आपका प्रोजेक्ट है सिंपली जियोग्राफी। नमस्कार, प्रस्तुत करते हैं आज के मौसम की रिफ्रेशिंग जानकारी। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग
आग लगी है। Boys, आप लोगों को सीखना चाहिए एंशियंट फिजिशियन द आर्ट ऑफ लव। इतनी गर्मी हो गई